देखें, असल में मुझे शौक था स्टूडियो आने का। मैं सुबह उठता, तैयार होता, एक दफा साइकिल पे ये छोटा सा था, मैंने आगे डंडे पे बिठाया हुआ था और मैं यूं चला रहा था। नहीं, डंडे पे बिठाया हुआ था क्या मतलब? आपको पता ही है साइकिल का डंडा होता है। देख, साइकिल पे सिर्फ वो डंडा ही होता है या फिर पीछे करियर होता है, बच्चे को करियर पे नहीं बिठाया जा सर, एक छोटी गद्दी मिल रही थी तो याद हो। हाँ, वो आगे हाँ, वो लगा भी दो। डंडे के ऊपर फिक्स हो जाती थी। मैंने वो लगाई हुई थी भाई, वो छोटी गद्दी दे बह के चला तो पिछली गद्दी पे क्यों नहीं बैठता था? वो इन्हें रेंट से देते होंगे। आता साहब, भाई दरअसल देसी मूर्ख का शहदाई रहा है अरे क्या बात है भाई, देसी मुर्ख के साथ रोटी खाता था। उसके साथ क्या मतलब? एक नवाला अपने मूछ, एक ओदे मूछ। यानी ओदा भी अपने मूछ पा लेता से। अरे सील मुर्गा था भाई के पास। कौन सा सील? सील क्या होता है? लड़न आला, लड़न आला। उसको सील कहते हैं? हाँ जी, असील, असील, असली से। उन जो तो मुर्गा लेन जाए असील लेके आए, असील इसे असील दे बचे। मैनू जलील कराना है, तू तो कैसे सील होता है? है मैनू तो दादाजी ने हो क्या सी, हमारा मुर्गा बहुत मशहूर था। और दादा भी, दादा जान को मुर्गियां पालने का शौक था और मुर्गे नु गल सख्त ना पसंद सी। मुर्गा हमेशा दादाजी अल शक दी निगाह ना देखदा सी। क्यों, क्या इसके बेतुकी बात है? दरअसल दादाजी अंडे चोर थे। क्या थे? अंडा नहीं होता भाई, उसकी अपनी मुर्गियां थी, वो जो मर्जी करे भाई। और मैंने भी मुर्गियां पाली, याद है भाई? अरे क्या बात है, मेरा जो मुर्गा था वो तो लड़ाई करता था भाई। मुर्गे को बादाम खिलाता था, मेवे अखरोट अंजीर खिलाता था मैं। और कुकड़े इन खूखार नजर ना वेख रहे होते थे। वो इन कहते थे मेरे बंदे नु किस कुत्ते काम छुपाता है। एक बारी भाई ने कैशू नट कटे, मुर्गी ने इट चुक ली। वैसे आफ्ताब साहब, इन फारिक डेज में क्या मुश्किलें हैं आपके, टाइम किस तरह गुजरता है? फारिक डेज से मुराद क्या है वैसे तुम्हारी? आजकल कोरोना के दिनों में मैं तो खैर घर पे ही होता हूँ और रियाज में मसरूफ है। हमने पहले दो हफ्ते फरागत काट ली है। हाँ जी, हाँ जी, तो हालात काफी बेहतर है। हमें आदत पड़ गई है ना, अपने आप को एक्लेमेटाइज किया है, सैनिटाइज करते रहते हैं, एहतियात करते हैं और उसके बाद काम भी करते हैं। तुम चूंकि नखट्टू हो, काम कुछ नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, हमारे मोहल्ले वाले हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। यही तो मसला है कि तुम जैसों का ख्याल सिर्फ मोहल्ले वाले रखते हैं। अरे मले जो कोरोना दे सूट बन रहे सर, प्रोटेक्टिव गियर। जी जी, दो सूट दे के गए ने। हाँ। अरे खूबसूरत है भाई ने ईद आस्ते रख लिया। ये कहना हो तो मैं कढ़ाई करावांगा। कल रात हम दोनों भाई मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई लेनी थी। मेरे गले में सोजिश थी थोड़ी सी। दादा जान ने रात में भाई का गला दबा दिया था। दादा जान को एक बड़ी बीमारी है, जब पानी पीने उठते हैं भाई का गला दबा देते हैं। क्यों? एक दिन मेरा दबाने लगे सर, मैं क्या मैं यहाँ ओ पिया वे। इस उम्र में नजर कमजोर हो जाती है, को बचपन से ही नजर नहीं आता। साडा दादा अन्ना है। असि जो भी यहाँ दादे की बदौलत हाँ, दादाजी ने बहा के मांगते रहे हैं। असि अन्ने को मंगवाई दा हुंदा यार, हर गल दे उत्ते नजर इंज करके रखते थे। भी उस हिसाब से तो तुम्हें बहुत एफ्लुएंट होना चाहिए था, तुम्हारी ये कस्मा पुरसी क्यों है? दरअसल दादाजी ने बारो बार अपनी अखा का इलाज करवा लिया, सन दस्या नहीं। यानी अपना इलाज करवा लिया? असे फाके हो गए। फिर एक दिन मैं और भाई ने दादाजी की लत तोड़ी, टांग तोड़ी, टांग टांग पेटी सुट दी। फिर भी कोई फायदा नहीं होया। फिर बांह तोड़ी, उसके साथ भी कोई फायदा नहीं। क्या फायदा क्या? क्योंकि माजूर बंदे नु वेख के तरस नहीं खांदे, अन्ने ते बड़ा रहम करदे ने। असे दादाजी नु कहा अन्ना हुण दा की लएगा दादा। फिर दादा कहदा अखां मैं तुहानू दे दिया। मैं कहा आहो दे दे, तू केड़ा कालम लिखना है। मैं और भाई ने प्लान किया कि दादे दी अखां कट दिए। असे गलती ना दादी दियां कट दी। दादी सानू ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। छह महीने के बाद हम फिर फाके हो गए। वो क्यों? दादी कन्ने ना दौड़ गई। वो तो लगता है अन्नी हुई दौड़न आते। और वो दो ही अन्नी एडी स्पीड ना दौड़े ने, उन्होंने पता नहीं की नजर आया। उसके बाद जिंदगी का जो है सिलसिला रुक सा गया। क्या वजह, रुक क्यों गया? अड्डे घर बंदा ही कोई नहीं सही, हूं किन अन्ना कर दे। मैंने कोशिश की कि भाई को अंधा किया जाए।
ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦੀ। ਅਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਜਬ ਛੋਟਾ ਸਾ ਥਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨਾ ਸਾ, ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਪਲਸਤਰ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਕਾ ਖਰਚ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਝੇ ਵੇਚ ਦੀਆ। ਤੁਮੇ ਵੇਚ ਦੀਆ? ਜੀ। ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ? ਗੁੰਡੋ ਕੇ ਹਾਥ। मुझे एक अफगानी ने खरीद लिया, मैं भी वेख के क्या होए होए होए। मैं कहा तेरा खाना खराब हो गए, बेचिया भी तो गिनू। वो हर दो मिनट बाद रॉकेट लॉन्चर कर ले। मैंने उन्हें डरा डरा मारिया, मैं कह चला भी मामा। अपने बारे मैं दसन लग पाया, मैं कहा मेरा प्यो तोरा बोरा रहता है। मैं कहा वो तो फिर टैंक होगा। मैं ओद को भी नौकरी करनी है। मैं जो को नाश्ता मंगना उन्हें मेरे खरोट खुआ लग गई। उन्हें मनु ड्राई फ्रूट खुआ खुआ के यरकान कराता। एक दोनों मनु तोरा बुरा लग गया। मैं सुते नु छड़ के निकल पया। अच्छा। ट्रक च बैठा फरार होने के लिए। जी मैं फरार हो गया। अच्छा। अल्लाह भला करे उस ट्रक वाले का, मुसलसल डेढ़ दिन ट्रक जाता रहा। अच्छा। मेरी अख लग गई। डेढ़ दिन बाद मेरी अख खुली। मैं एक बंदे को पूछा, मैं कहला और आ गया है। कहना इस वक्त हम मजार शरीफ के पास है। किसके पास? मजार शरीफ। मैं क्या मैं थे उतरना है मजार शरीफ, नॉर्दर्न अफगानिस्तान है। वहां से मैं फिर भागा। फिर मैं एक होर ट्रक च बैठा। कहता किथे जाना है? मैं जड़ी जगह नजदीक है। कहना जे लाहौर जाना है तो 7 दिन लगन गए। ये बशकीक तेन मैं 3 घंटे च पहुंचा दिया। मैं क्या चलो बशकीक ते जाइए, लाहौर के नेड़े हो गए। मैं फिर बशकीक गया, फिर मैं दुशांबे गया। उथे जाके मैं जुशांदा पीता। मैं सफर बड़ा सी। फिर मैं बहराम गया। उथों के इलाकों के इस तरह के नाम है। मैं समरकंद गया, उथों फिर बुखारे गया। उथे वही अफगानी मिल गया, उन्होंने वेख के मैं 108 बुखारे चढ़ गया। उसके एक हाथ च रॉकेट लॉन्चर से और दूसरे च खुश्क मेवा जात। उन्हें क्या खोचा समझ तो तुम गए हो।